बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट कौन से हैं और हर किसी गर्ल के पास ये मेकअप प्रोडक्ट्स लाजमी होने चाहिए। और दराज कि मैं आपसे ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो आपको ईजीली भी मिल जाएंगे और इनके ये बहुत ही ज़्यादा इनके हम अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं आज आ वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ना वही प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपको इजीली भी मिल जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फाउंडेशन। आप लिक्विड फाउंडेशन कोई सा भी ले लो, लेकिन यहाँ पे जो मैं बेस बता रही हूँ ये मिस रोज़ का फाउंडेशन है बेज नंबर 1 में। ये भी दराज से मैंने ऑर्डर किया था। दराज पर आप ना ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर करो। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स से अच्छे इनके रिजल्ट भी होते हैं और इनके ये मिस रोज़ के ऑफ स्पेनर से ऑफ भी लगा हुआ था, तो ये मुझे 650 का ही मिला था। और इतना इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और इजीली अवेलेबल भी मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट कवरेज भी है, ज़्यादा आपको इसे स्किन भी पैची नहीं होगी। और नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमर। ये फिटमी का प्राइमर है। प्राइमर वैसे भी आपके पोर्स को क्लॉक करता है। ये फिटमी का प्राइमर बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट से और इजीली इतना कम बजट में ही मिल जाता है। शायद ये 350 का और इतना 250 का, इतना ही मुझे मिला था। और इतनी कंसिस्टेंसी भी इसकी ज़्यादा लाइट, इतनी हैवी फील नहीं होती, बिल्कुल आपकी लाइट सी स्किन कंसिस्टेंसी है, स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और ईजिली अवेलेबल भी हर किसी के पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेस्ड ग्लिटर वाले आई शेडो। ये इतने ट्रेंडिंग में आजकल चल रहे हैं, आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा गर्ल्स के पास ये वाले ग्लिटर की फॉर्म में ऐसा हर किसी के पास है। लेकिन ये टीवी पार्लर वालों की मुझे 60% ऑफ पे मिली थी दराज पे। इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसकी कंसिस्टेंसी और इसके जो है वाले आई शेडो की है, ये बिल्कुल आपकी स्किन से अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और ईजी टू यूज़ भी है। ज़्यादा किसी की ग्लू लगाने की किसी चीज़ की भी नहीं ज़रूरत है। ये प्रेस्ड फॉर्म में आते हैं, जस्ट आपको प्रेस करके ही लगाने होते हैं। जस्ट आपने अपने फिंगर पे थोड़ा सा प्रेस करके देना, अपने आईलेट्स पे यूज़ कर सकते हो। इसके आई शेडो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि आप यूज़ करोगे तो थोड़े टाइम के लिए कुछ झड़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे और ईजी टू यूज़ भी हो जाते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और अगर हमें ज़्यादा मेकअप नहीं भी आता है तब भी हम थोड़ी सी क्वान्टिटीज़ के लेके अपने आईलेट्स पर यूज़ कर सकते हैं। और ये स्किन टी वी पार्लर्स की वैसे भी ज़्यादा इनके ऑफ भी लगता रहता है, तो आप ये वाली प्रोडक्ट ज़रूर रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मस्कारा, क्योंकि ये वाला ना इतने अगर आपकी आईलेस पे पफनेस वगैरह है या अपने आई लैशेज़ को ज़्यादा आप कर्ल भी नहीं करना चाहते हो, जस्ट आप आई लैशेज़ को ये वाला मस्कारा से आप यूज़ कर सकते हो, ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइलाइटर। जैसे आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में ये लिक्विड हाइलाइटर चल रहे हैं, हर किसी के पास ये लिक्विड हाइलाइटर होता है, क्योंकि हमें ये वाला लिक्विड हाइलाइटर की ये एलिमिनेटर होते हैं, इसकी भी कंसिस्टेंसी और इसकी भी जो हम इसको अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इसके अमेजिंग रिजल्ट से। ये गाइज आप ज़रूर अप्लाई यूज़ करिएगा। वाले जो प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं और ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, हर किसी के पास होने चाहिए। इसके आपको मैं अप्लाई करके भी दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी है और कितना इजी टू ब्लेंड भी हो रहा है। इसके हाइलाइटर को कैसे यूज़ किया जाता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कैसे यूज़ हैं, तो इसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपसे देख सकते हैं। और ये वाले एलिमिनेटर होते हैं, ये इसकी अगर हाइलाइटर की कवरेज भी ज़्यादा अमेजिंग होती है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंसीलर। ये भी टीवी पाउडर का कंसीलर है। ये भी मैंने जब मैंने आई शेडो पैलेट की ऑर्डर की थी तभी मैंने इसके साथ ये वाली टीवी पाउडर कंसीलर, वैसे भी आपको पता है आईज़ के नीचे या किसी डार्क स्पॉट्स को छुपाने के लिए यूज़ हो जाता है। तो अगर आप बेस पर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कंसीलर से भी अपने इसका बेस बना के यूज़ कर सकते हो, ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और ये इतना ज़्यादा बजट में भी नहीं, शायद 200 का इतना ही मिल जाता है और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई लैशेज कर्लर। ये इतना कोई अमेजिंग प्रोडक्ट है, अगर आप मस्कारा भी यूज़ नहीं करना चाहते हो जस्ट आप क्या करोगे आई लैशेज कर्लर लेके अपने आई लैशेज को कर्ल कर सकते हो और ये ईजी टू यूज़ भी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिपस्टिक या लिप ग्लोज। आपको पता है वैसे भी लिपस्टिक से ज़्यादा लिप ग्लोज ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और जब हम इसको अप्लाई करते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो लिप ग्लोज का ट्रेंडिंग आजकल बहुत है, क्योंकि ये वाले ना आजकल मेड लिपस्टिक से ज़्यादा ये लिप ग्लोज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लेशॉन की पैलेट या किट। ये वाली आपको बोले, ये भी मोनालिसा की मैंने उधर से ही ऑर्डर की थी। इतनी भी इसकी भी ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, इतना भी ये भी 300 का ही मिला था। इसमें सारे शेड आ जाते हैं और इतना इसके हाई कवरेज शेड है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ये लाइट, बिल्कुल ये इतना अच्छे से इसके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्किन में एक फिनिशिंग लुक भी आती है। ये वाले सारे आई शेड ब्लेशॉन के कलर्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली भी बजट फ्रेंडली है और इजी टू अप्लाई भी हो जाती है और हमें इतना ज़्यादा बजट में भी नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रश, क्योंकि हमें ब्लेंडिंग करने के लिए एक अच्छा सा ब्रश ज़रूर होना चाहिए। ये थे सारे बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। ये आपको कैसे, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।